जी बताइए क्या समस्या हो गई आपके साथ। बिहार शिक्षक नियोजन के तरफ से जो है 9/8/2021 को रानीगंज प्रखंड का कैंप एची हाई स्कूल में लगा था। विषय मैथ साइंस ईबीसी कोटी में 5 सीट था, लेकिन नियोजन इकाई द्वारा 3 सीट पे नियमानुसार बहाली करने के बाद ये बताया गया कि बचे हुए 2 सीट जो है विकलांग और एक स्वतंत्रता सेनानी में चला गया। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं था, बाद में जो है सब बच्चे वहां से चले गए तो बिना नाम पुकारे हमसे कम मेघा वाले का चयन कर लिया गया है। इसी संबंध में हम डीएम को आके आज आवेदन दिए हैं और हम डीओ को भी आवेदन दिए हैं, ताकि ये जो गलतियां हो रही हैं, जो नाइंसाफ़ी हो रहा है बच्चों के साथ, वो रुके और हमको इंसाफ मिले। आप कह रहे हैं कि आपसे कम मेगा अंक वालों को चयन किया गया है। जी, तो आपसे कम आपका कितना मेगा अंक है? मेरा 63.71 है। अच्छा। और जिसका किया गया सुबोध कुमार का 63.08 है, और एक लड़का और है उसका है 60.62, जो दोनों हमसे नीचे है और वो दोनों का बिना नाम पुकारे चयन कर लिया गया है। इसके अंतर्गत जो संलिप्त लोग हैं वो हैं रानीगंज प्रमुख और वहाँ के बीडीओ और वहाँ के बीओ, ये सब मिलकर खेल किया है रात के अंधेरे में। अपने बीडीओ से मुलाकात की? बीडीओ से मुलाकात की तो वो बोलता है क्या कि जो हो गया हो गया, चलो निकलो यहाँ से, भागो, क्या करने के लिए आए हो, इस तरह धमकी देकर भगा दिया गया। तो अभी आपने डीएम साहब से मुलाकात की, डीएम साहब के ऑफिस में गए, क्या बात हुई आपकी? डीएम साहब से जब बात की, डीएम साहब सारे बात को अच्छे से सुने और ऑन द स्पॉट डीओ को फ़ोन लगाए और उसको निर्देश दिए कि क्या ईबीसी कोटी में 5 सीट जो था क्या वो विकलांग में गया है। तो उन्होंने बताया नहीं गया है, तो फिर बताया कि फिर क्या मामला है, पूरा जाँच करो और हमको रिपोर्ट करो। हमको लग रहा है डीएम साहब पॉजिटिव हैं और एक्शन लेने के मूड में हैं। पूरा साक्ष्य डीएम साहब के सामने प्रस्तुत किया है, चयन सूची जो वेबसाइट पे एनआईसी पे अपलोड किया गया है वो भी मैंने दिया है, और मेरा मेगा सूची दिया है और रोस्टर क्रमांक भी मैंने दिया है जो वैकेंसी वहाँ पे आया है मैथ साइंस। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से और डीएम साहब से और राज्यपाल से कि रानीगंज प्रखंड का जो 9/8 को जो वहाँ काउंसलिंग हुआ है मैथ साइंस विषय में, उस पूरे का वीडियोग्राफी जांच करके जो मतलब के गलत किया है उसके मतलब के उचित कार्रवाई करने का काम करें, ताकि गरीब बच्चे अपने भविष्य को सुरक्षित समझ सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबारक, पिता मोहम्मद ताजुद्दीन, ग्राम रेहवा, पोस्ट छतियोना, प्रखंड रानीगंज, जिला अररिया।